हाय हेलो, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, अगर आप 2021 में अपने YouTube चैनल को ग्रो करना चाहते हो कि आपकी वीडियोस ट्रेंडिंग में आए, लोग आपके कंटेंट को देखें, सर्च इंजन आपके कंटेंट को सबसे पहले दिखाए, तो मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप 2021 में अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हो, अच्छा खासा कमा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो दोस्तों आपके मन में यही उठ रहा होगा कि अगर मुझे सच में इतनी टिप एंड ट्रिक्स पता हैं, तो मेरा ये चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, मैं क्यों इन टिप एंड ट्रिक्स को इस्तेमाल नहीं करता हूँ, या फिर कहीं आप लोगों को उल्लू तो नहीं बना रहा हूँ, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा आपका? ऐसा नहीं है। मैं 2013 से यूट्यूब पर कॉन्टेंट को क्रिएट कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा मैंने कमाया है नो डाउट, बट काफ़ी सारी गलतियाँ की हैं जिसका नतीजा आज देख सकते हो। इनिशियली सबके साथ होता है कि चैनल ग्रो नहीं करता है, एक समय आता है जब चैनल अच्छा खासा ग्रो कर रहा होता है, लोग आपके कंटेंट को देख रहे होते हैं, बट उस समय अगर आप कुछ गलतियां करते हो तो फिर रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसी गलती ना करें, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। दोस्तों, मैंने 2013 में अपना यूट्यूब चैनल बनाया था, उस समय मेरे पास काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स थे, उस समय तो कॉपीराइट का कोई ज़्यादा फंडा था नहीं, हम लोग यहाँ का वहाँ का यहाँ करते रहते थे और काफ़ी अच्छा यहाँ पर इनकम जनरेट करते थे, नो डाउट काफ़ी अच्छा समय था वो। बट जो मेरा मेन चैनल था उसमें व्यूज़ तो आ रहे थे, पैसा तो मिल रहा था, बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे। उस समय मैं जॉब भी कर रहा था और एज ए साइड इनकम मैं यूट्यूब को इस्तेमाल कर रहा था, हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कमाया जाए, तो मैंने YouTube का सहारा लिया। अब YouTube से निकलते निकलते मुझे समझ में आया कि जो मोबाइल फ़ोन स्पेयर पार्ट्स का मार्केट है वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो मैंने दोस्तों eBay में विदाउट GST, विदाउट कुछ भी पैन, मैंने एक शॉप क्रिएट की और उसमें मोबाइल फ़ोन एसेसरीज और मोबाइल फ़ोन डिस्प्ले को बेचना शुरू किया और काफ़ी अच्छा बिजनेस चला। लगभग 3.5-4 लाख रुपए का यहाँ पर नेट प्रॉफिट मुझे मिल रहा था और चलते हुए आई थिंक कि 3-4 महीने ही हुए थे कि eBay ने मुझे ब्लॉक कर दिया। क्यों ब्लॉक किया? क्योंकि मैंने दोस्तों अब इतना पैसा तो मेरे पास था नहीं कि इन्वेस्ट कर पाऊँ, तो मैं दोस्तों कुछ अपने क्रेडिट कार्ड से खुद खरीद लेता था, उसके बाद कुछ प्रॉफिट भी मिलता था वहाँ से और वो पैसा eBay के सिस्टम आ जाता था। तो इस टाइप से eBay को जब पता चला तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरी जो शॉप थी वो बंद हो गई। कुछ पैसा उस समय फंसा था, अराउंड 2-2.5 लाख रुपए eBay ने धीरे धीरे करके सब दे दिया, बट जो मेरी शॉप थी वो बंद हो गई। तब जाके मैंने दोस्तों YouTube पर फोकस किया। अब YouTube पर समय देना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, सुबह 7 बजे उठना है, नहाना धोना, खाना पीना, फिर 9 बजे तक कॉलेज पहुँचना है, 5-6 बजे तक वहाँ पर रहना है और शाम को आके फैमिली के साथ बच्चों के साथ भी टाइम पास करना है। 11:30-12 बज जाते थे और उसके बाद रात में YouTube में काम करता था। अब रात में ही क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दिन में तो काफ़ी शोर शराबा होता था, ऐसा एरिया भी नहीं था कि मैं साउंड प्रूफ कोई इन्वायरमेंट चूज़ कर पाऊँ, तो नॉर्मली रात को काम होता था, उसमें भी कुत्ते ये सब कुछ परेशान करते थे। तो जो भी रहा दोस्तों, समय काफ़ी कम था, 12 बजे काम शुरू होता था और लगभग 1-1.5 बजे तक ख़त्म करना होता था क्योंकि सुबह उठना भी है 7 बजे और उसके बाद स्ट्रेस, टेंशन, हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें रहती थी, तो टाइम देना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और इस वजह से मैं कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था और एडिटिंग जो हो जा रही थी बस उतनी बहुत थी, बस मोटिव था कि फटाफट से वीडियो को अपलोड करना। तो सबसे बड़ी गलती दोस्तों मैंने यहाँ पर ये की कि मैंने कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एडिटिंग तो दोस्तों ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, अगर आप थोड़ी बहुत भी कर लेते हो, एनिमेशन ग्राफिक्स या फिर एनिमेटेड टेक्स्ट अगर आप डाल देते हो तो आपका कंटेंट थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है, बट अगर कंटेंट में जान ही नहीं है, अगर आपने वॉइस ओवर कर रखा है या फिर आपने फेस कैम कर रखा है, तो अगर आपने कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस लगे हो नींद आ रही है, आंखें बुझ रही है, मुंह में हंसी नहीं है, मजाक तो दूर की बात, चेहरा उदास है, तो ऐसे केस में जो कंटेंट क्रिएट होता है ना दोस्तों वो अच्छा तो नहीं बनता। बट फिर भी लोगों ने पसंद किया, काफ़ी पसंद किया और काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर मैंने गेन किए उस समय, नो डाउट कंपटीशन कम था तो काम चल रहा था। तो वो समय था दोस्तों जब मैं काफ़ी अच्छी इनकम जनरेट कर रहा था फ्रॉम YouTube।
तो बिगर किसी तैयारी के, बिगर किसी सोच समझ के अगर आप कंटेंट को क्रिएट करते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं उसके अच्छे बनने के। तो इस टाइप की गलती आप मत करना। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आप अपने कंटेंट के साथ हमेशा रेगुलर रहना, मतलब कि अगर आप व्यूअर्स को कह रहे हो कि आपका कंटेंट हर मंगलवार को सुबह 10 बजे या फिर शाम को 5 बजे आ जाएगा, तो आप जेन्युइन बने रहो, हमेशा पोस्ट करते रहो, कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहो, ताकि जो आपका ऑडियंस है वो इंगेज रहे। मैंने गलती की है, मैं बीमार पड़ जाता था, कभी हॉस्पिटलाइजेशन होगी, कभी ऑफिस के काम के लिए बाहर, कभी घर, कभी आलाना फलाना, घूमना फिरना, तो टाइम वैसे कम है। और अगर मैं बाहर हूँ, स्टूडियो में नहीं हूँ, रिकॉर्डिंग भी नहीं हो रही, और ऐसा भी नहीं करता था कि 10-15 वीडियोज़ को रिकॉर्ड करके रख लिया, बाहर जा रहा हूँ तो वहाँ पर काम कर लूँ, वैसा भी नहीं। आज से तो मैं एक नंबर का हूँ। तो अगर आपको सच में यूट्यूब में कमाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको इस चीज़ को भी देखना होगा, टाइम पर वीडियोस आ जानी चाहिए, नहीं तो एक तो यूट्यूब का जो अल्गोरिथम है वो आपको बाहर कर देगा, और दूसरा दोस्तों जो आपके जो रेगुलर ऑडियंस है वो भी आपको छोड़ देंगी। तीसरा दोस्तों, जो मैंने सबसे बड़ी गलती की है कि यूज़र के साथ इंटरेक्शन। पहले तो दोस्तों मैं जो वीडियोस बनाता था उसमें फेस कैम तो था ही नहीं, चेहरा तो आता ही नहीं था, तो जितना इम्पैक्ट एक चेहरा डालता है ना, जो आपकी आईज डालती हैं, आपके इमोशंस डालते हैं किसी कंटेंट में, और जिस हिसाब से आप लोगों के साथ जुड़ते हो, वो दोस्तों विदाउट फेस कैम पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर चल जाएगा, बट अगर आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, लंबे कंटेंट आपके, तो इन दैट केस आपको फेस कम करना होगा, मतलब कि अपने चेहरे को दिखाना होगा, अनटिल अनलेस आपका कोई कंटेंट ऐसा हो कि जिसमें जरूरत ना पड़े और लोग फिर भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो आपको अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना होगा, अपने आप को सामने प्रेजेंट करना होगा, साथ में जो ऑडियंस कह रही है आपसे, सवाल पूछ रही है, कमेंट सेक्शन खुले हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको लोगों के सवालों का आंसर देना होगा। अब मेरे पास तो टाइम की दिक्कत थी, किल्लत थी, तो मैं ज़्यादा कनेक्ट हो भी नहीं पाता था, और ऊपर से दोस्तों एज फैक्टर भी था, आदमी सोशल होता है कब तक होता है, 25, 30, 35 साल तक, अब 35 क्रॉस कर जाओगे तो फिर सोशल तो काफ़ी कम हो जाता है, करते हैं फिर भी, ऐसा नहीं है, बट अब मुझे तो दोस्तों बोरियत लगने लगी, पहले खूब किया है। तो कम्युनिकेशन आप लोगों को अपनी ऑडियंस के साथ रखना है, लोगों के सवालों को सुनना है, उनका जवाब भी देना है, अगर आप नहीं करते हो ऑडियंस भूल जाएगी, छोड़ देगी। और यहाँ पर दोस्तों अपनी वीडियो का टाइटल, कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखें, ऐसा ना हो कि जो आप डाल रहे हो आपको तो पसंद आ रहा है बट लोगों को पसंद ना आए। गूगल जो सर्च इंजन है दोस्तों, या फिर यूट्यूब का जो सर्च इंजन है, वो काफ़ी इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, क्या आप टाइटल में लिख रहे हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि टाइटल क्या होना चाहिए, तो एक बार गूगल सर्च कर लें, कंटेंट क्रिएटर को देखें कि वो क्या बना रहे हैं, सेम टॉपिक पर क्या उनकी वीडियोस हैं, क्या उनके टाइटल्स हैं, क्या वो कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे आप गूगल सर्च कर लीजिए या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, उसके मिलते जुलते टाइटल को देखते हुए तो आपको कीवर्ड्स भी मिल जाएंगे, तो उन कीवर्ड्स को आप इस्तेमाल करो, डिस्क्रिप्शन में डालो उसको, साथ में जो टाइटल का पोर्शन है जो आप यूज़ कर रहे हो उसको भी डिस्क्रिप्शन में डालो। जितना दोस्तों आप यहाँ पर अपने कॉन्टेंट को रिप्रेजेंट करोगे इन टाइटल्स, इन कीवर्ड्स, इन डिस्क्रिप्शन, वो उतना ही आपकी हेल्प करेगा, आपकी वीडियो की हेल्प करेगा टू गेट व्यूअर्स, ऑडियंस, ठीक है। और ऐसे ही थंबनेल पर, ये वो चीज़ है जिसको एक ऑडियंस सबसे पहले देखती है, आर्बिट्ररी वो सर्च कर रहा है, अगर आपका थंबनेल बढ़िया लगा उसको, अट्रैक्टिव है, और जो वो चीज़ ढूंढ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो देखेगा। तो थंबनेल को भी एक बार अच्छे से देख लें, ज़्यादा कुछ वहाँ पर मत डालें, मिनिमम रखने की कोशिश करें, और लिखना आलाना फलाना दिखाना ये सब कुछ वहाँ पर मत करें। और ऐसे दोस्तों अगर आप नए नए हो, कंटेंट के बीच में ऐसी कोई चीज़ ना डालें जिससे ऑडियंस का ध्यान भटके। अगर ऑडियंस आपके कंटेंट को सुनना पसंद कर रही है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बीच में कोई अगर आप एडवर्टाइजमेंट देते हो या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स बोलते हो जैसे कि लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, तो वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। बट अगर आपके कंटेंट में जान नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, और बीच में आपने इस टाइप का डिस्टर्बेंस डाल दिया, एडवर्टाइजमेंट डाल दी,
तो फिर ऑडियंस नहीं रुकती। तो इस चीज़ को भी देखें, स्पेशली कहा जाए जो नए क्रिएटर्स हैं, बीच में एडवर्टाइजमेंट, बीच में लाइक शेयर सब्सक्राइब या फिर कोई कट, इस टाइप की चीज़ों को इग्नोर करें, नहीं तो ऑडियंस कंटिन्यू नहीं करेगी। अगर आप पुराने हो, लोग देख रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, तब आप डाल दीजिए, बट इनिशियली मत डालें। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा, कभी भी यूट्यूब को अगर आप स्टार्ट करो तो कभी भी एज ए इनकम सोर्स लेके ना चलें। मतलब कि अगर आपका चैनल अच्छा खासा चल रहा है तो नो डाउट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको पैसे मिलने चाहिए, अच्छे मिलने चाहिए। बट अगर आप अभी अभी नए आए हो तो कभी भी इस एक्सपेक्टेशन के साथ मत आए कि आपको यूट्यूब एज ए कैरियर लेना है, आपको इसी से पैसे कमाने हैं। क्यों? क्योंकि आजकल काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं। YouTube का जो सर्च इंजन है वो भी बदल रहा है, साथ में काफ़ी सारे नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। तो इन दैट केस काफ़ी मुश्किल है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं YouTube का एज अ कैरियर लेके चल रहा हूँ, इसी से पैसे कमाऊँगा, इसी से अपना घर रोजी रोटी कमाऊँगा, तो ये अभी काफ़ी मुश्किल है। अगर आप अच्छे क्रिएटर हो तो मे बी आपको समय लग सकता है, 1 साल 2 साल, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे लोग आपको रिएक्ट करते हैं। तो इस चीज़ को भी समझ लें कि कभी भी आप ये सोच के YouTube में एंट्री मत करें कि आपको इसी से अपनी रोजी रोटी कमानी है। बस एक बार चलने लग जाए तो उसके बाद आप सोच सकते हो, फिर तो स्पॉन्सरशिप भी आप लोगे, सब कुछ लोगे। अब जब स्पॉन्सरशिप की बात ही आ रही है तो मैंने एक दोस्त एक बहुत बड़ी गलती की थी 2013-14 में, जब मैंने YouTube को स्टार्ट किया था। उस समय दोस्तों जो नई नई चाइनीज़ कंपनीज इंडिया में आ रही थी वो कॉन्टैक्ट करती थी, उनके रिलेशनशिप मैनेजर कॉन्टैक्ट करते थे, उस समय थोड़ा सा डर था, बट मैंने गलती की। अब क्या है, अब दोस्तों कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर आपका कंटेंट अच्छा चल रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये जो कंपनीज है ये आपको कॉन्टैक्ट करती हैं, अगर नहीं है तो नहीं। तो अगर आपको कहीं चांस मिलता है तो चांस को गंवाए ना, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो आपको जवाब देना चाहिए और इनकी हेल्प करनी चाहिए। दोस्तों ये हेल्प भी मांगते हैं आपसे, कुछ और नहीं। और आपको क्या मिलता है, आपको इनका प्रोडक्ट जिसको आप अपने चैनल पर दिखा के अच्छा खासा व्यूअर्स ले सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पर मैं और कहूँगा, जेन्युइन बने रहें, कभी भी गलत चीज़ों को प्रमोट ना करें। हो सकता है कि गलत चीज़ को प्रमोट करके लड़ झगड़ के आप आज तो सुर्खियों में आ गए, कंटेंट आपका अच्छा चल गया, बट फ्यूचर वो मुश्किल होगा, दिक्कतें आएंगी वहाँ पर, और ये होता है, हमेशा होता है। तो अपने ऑडियंस के साथ जेन्युइन बने रहें, सही चीज़ें उनको बताएं, क्योंकि आप एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। जो आपका सब्सक्राइबर बैंक है, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आप बोलते हो वो लोग फॉलो करते हैं। तो अगर आप गलत बोल रहे हो, और बहुत सारे आजकल जो ऑडियंस है वो अभी काफ़ी छोटी है, तो अगर आप उनके दिमाग में चीज़ें डाल दोगे अभी से, तो फिलहाल भविष्य में उनके लिए गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों मेरा यही है कि जो गलतियां मैंने की हैं आप उसको मत दोहराएं, जिसकी वजह से आज मेरा ये चैनल या फिर मेरी वीडियोस ऐसा परफॉर्म कर रही हैं, आप वो गलतियां मत करें। अपने कंटेंट पर ध्यान दें, कंटेंट क्रिएट करने के लिए कोई महंगे गियर्स की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल अपने स्मार्टफोन से भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। बस ऑडियो का ध्यान रखें, बोए का M1 काफ़ी अच्छा माइक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है तो अच्छा है, ऑडियो उससे ले लें, बाकी स्मार्टफोन भी सफिशिएंट है। जेन्युइन कंटेंट है तो डेफिनेटली ट्रेंड करेगा, इसी साल ट्रेंड करेगा, और आप अच्छा खासा यहाँ पर यूट्यूब में फेमस हो जाओगे। बाकी अगर आप स्क्रिप्ट लिखना पसंद करते हो तो स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाएं, कैरी मीना टीवी स्क्रिप्टेड ही कंटेंट क्रिएट करता है, तो शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने कंटेंट पर, जो आप बोल रहे हो, जो आप दिखा रहे हो, उस पर फोकस करें। और एक चीज़ यहाँ पर और भी है, मेरे साथ दिक्कत ये भी है कि मेरा जो गला है थोड़ा सा बोलने का थक जाता है, वोकल कॉर्ड थक जाती है, तो फिर जो शब्द हैं वो टूटने फूटने शुरू हो जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन तो गई, साथ में सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो स्ट्रेस मत लें, मैंने भी दोस्तों काफ़ी स्ट्रेस लिया है शुरू में, क्योंकि टाइम की कमी थी, बस 1 घंटे में रिकॉर्डिंग करनी है, 1 घंटे के लिए अब क्या आप डिवोट कर सकते हो, अगर थोड़ी सी भी गलती होती है तो स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, सोना भी है, उठना भी है, कल टेस्ट भी लेना, बच्चों का पढ़ाना भी है, तो काफ़ी मुश्किल रहती थी वहाँ पर। बट आप लोगों से कहूँगा स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, अगर स्ट्रेस ना लेते हो और जो आपका नॉर्मल
बिहेवियर है, जिस आप लोगों से बात करते हो, जिस तरीके से आप लोगों से मजाक करते हो, हंसते कूदते रहते हो, बिल्कुल वैसे ही आप कंटेंट को रिकॉर्ड करें, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं होना नहीं। अगर आप अपने नेचुरल वे से डिलीवर करोगे ना कंटेंट को, तो वो ज़्यादा ट्रेंड करेगा, ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मेरी सलाह थी, आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों की ये हेल्प करेगी टू गेट बेटर व्यूज ऑन यूट्यूब। तो बस आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ से सीखे होंगे। अगर कुछ सीखे हो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अगर आप लोग मेरे इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाले जो निशान है, उसको ऑल करके बजा देना, दबा देना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर स्टेप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय।